हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या करना था, जो भी सॉल्यूशन करने थे ग्राफी मेथड से करने थे। तो बच्चों 3.3 में हमें क्या करना है, इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे हमने करने हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो एक्सरसाइज हमारे बच्चों 3.3 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट जो पार्ट है बच्चों वो है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है बच्चों कितना, 4। बच्चों प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें हमें दो समीकरण पहले से दिए हुए होंगे, ठीक हो गया, और फिर हमें उन्हीं दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के एक तीसरा समीकरण बनाना है, ठीक हो गया बच्चों। फिर जो समीकरण हमारा बनेगा वो वैल्यू हमने क्या रखनी है, किसी दूसरे समीकरण में रखनी है। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो हम दोनों में से एक समीकरण को ले लेते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, 14। अब यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने पिछले मेथड में निकाला था, कौन से मेथड में, ग्राफी मेथड में हमने सीखा था कि जो भी वैल्यू होगी राइट में चल जाएगी, यहाँ से आ जाएगा वाई क्या, राइट में। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण तीसरा हमारा बच्चों किससे बना है, समीकरण 1 से। तो ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई है एक्स की, हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 2 में, जिससे बच्चों हमारा तीसरा समीकरण बनेगा उसमें हमने वो वैल्यू नहीं रखनी है, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है हमारे पास बच्चों क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहां से देखो एक्स की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 14 माइनस वाई। तो यहां जहां एक्स है वहां हम रख देते हैं 14 माइनस वाई, और इधर देखो बच्चों क्या है, माइनस वाई ये इधर आ गया वैसे ही, और इक्वल टू में कितना है बच्चों, 4। देखो माइनस वाई है और माइनस वाई दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 14 माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। देखो बच्चों प्लस का 14 है, राइट में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा माइनस का 10, और इधर हमारे पास माइनस का 2 वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस इधर है, माइनस कैंसिल, यहाँ 2 वाई, अब देखो मल्टीप्लाई में 2 है, वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 2 को राइट में ले जाना होगा। तो यहाँ से आएगा वाई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, 10/2। तो वाई इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 5। अब हमें वाई की वैल्यू मिल गई है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम बच्चों जो वाई का मान आया वो हम चाहे समीकरण 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, चाहे 3 में रखे, वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, सीधा रखते हैं हम वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों। समीकरण पहले तीसरा नोट कर लेते हैं, समीकरण तीसरा हमारे पास x बराबर में है 14 माइनस y, ठीक हो गया बच्चों, 14 माइनस y, और यहाँ से y का मान कितना आया, 5। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9, ठीक हो गया बच्चों। बस इसी तरह हमें क्या करने हैं, इसी नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यही है हमारे बच्चों क्या, प्रतिस्थापन विधि। यानी दो समीकरण है हमारे पास, दोनों समीकरणों में से क्या करेंगे, हम एक समीकरण ले लेंगे जिससे हमारा क्या बन जाएगा, एक तीसरा समीकरण बनेगा, और उस तीसरे समीकरण का मान हमने उसमें से रखना है। अगर हमने पहले से समीकरण बनाया है तो दूसरे में रखेंगे वैल्यू तीसरे की, और अगर दूसरे से बनाया है तो पहले में रखेंगे वैल्यू, ठीक हो गया बच्चों। अब देखते हैं इसी का नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर बच्चों एस माइनस टी इक्वल टू में है बच्चों हमारे पास कितना, 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारे पास s/3 प्लस t/ कितना है बच्चों, 2 बराबर में है 6। देखो ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, पर ये किस रूप में है हमारे पास, भिन्न के रूप में है। तो पहले इसको हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। रैखिक समीकरण बनाने के लिए इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम बच्चों 6। अब 6 को भाग देंगे किसमें, 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 2s, प्लस ऐसे ही 6 को भाग देंगे 2 से, 3 बार विभाजित होगा,
तो 3 की गुणा हो जाएगी टी में, तो आ जाएगा 3t बराबर में कितना बच्चों 6। अब बट्टे में 6 है, किधर आ जाएगा इक्वल टू में ले जाएंगे, आ जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 2s + 3t इक्वल टू हो जाएगा 6 × 36। ये बच्चों आ गया हमारा रैखिक समीकरण कौन सा, दूसरा। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेम फर्स्ट वाले की तरह क्या बनाते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में से, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर हम समीकरण तीसरा बनाते हैं। तो हम पहले समीकरण से लेकर बनाते हैं तीसरा समीकरण, तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण कौन से समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास s − t = 3, यहाँ से हम t को ले जाते हैं राइट में, तो हो जाएगा 3 + t समीकरण नंबर 3। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब s का मान हमें मिल गया, तो हमने ये समीकरण बनाया 1 से, अब मान किस में रखेंगे बच्चों 2 में, तो यहाँ लिखते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नोट कर लेते हैं, है हमारे पास 2s + 3t = 36। s की वैल्यू आई है बच्चों कितनी, 3 + t, तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + t, ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों, नहीं तो हमें क्या, ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो क्या होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ किस में होगी, 3 में, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो। आ गया 3 + t प्लस है हमारा 3t इक्वल टू कितना है 36। अब इस 2 के गुणा अंदर कराते हैं, तो 2 3 हो जाएगा बच्चों 6 + 2t और इक्वल इधर है प्लस में 3t इक्वल टू कितना है 36। 3 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा 5t, प्लस का 6 है राइट में जाएगा, माइनस में हो जाएगा 36 - 6, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 30, और यहाँ से आ जाएगा 5t, तो t की वैल्यू अगर निकालनी 5 किस में आ जाएगा बट्टे में, 30 बट्टे हो जाएगा 5, तो t का मान बच्चों कितना आ गया 5 × 30, 6, t का मान आ गया 6। अब t का मान निकाल, सॉरी t का मान मिल गया, अब हमें s का मान भी निकालना है, तो s क्या करेंगे, जो t का मान है हम लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखे बच्चों, समीकरण 3 में। देखो बच्चों जो ये टी का मान है वो हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, किसी में भी मान रखेंगे तो एस का क्या आ जाएगा, सही सही मान आ जाएगा। तो टी का मान हमने क्या लिखा, समीकरण किस में रखने पर 3 में, तो समीकरण तीसरा हमारा क्या है, एस इक्वल टू है 3 + t, यहाँ से 3 + t की वैल्यू बच्चों कितनी 6, और यहाँ पर एस इक्वल टू कितना आ गया 6 + 3 करेंगे बच्चों कितना 9। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर, इसका इजी क्वेश्चन है बच्चों, और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। समीकरण तीसरा है बच्चों 3x - y, तीसरा है बच्चों 3x - y = 3, y = 3, और दूसरा समीकरण है 9x - 3y, -3y = 9। यहां से देखते हैं समीकरण 1 लेते हैं पहले, हम समीकरण 1 से बनाते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y = बच्चों 3, ऐसे ही हम किसको ले जाते हैं, y को राइट में ले जाते हैं, तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + y, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 + y और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ये बच्चों बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में। 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमने जो समीकरण तीसरा निकाला है वो किससे निकाला है, 1 से, तो समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 नोट कर लेते हैं, समीकरण 2 है हमारे पास 9x - 3y = 9, और यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू रखनी है, x ये रहा, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 + y पूरे के बट्टे में कितना है 3, और माइनस में 3y = कितना 9। ठीक हो गया बच्चों, अब यहाँ से देखो 9 की मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट में कराते हैं, 9 × 18 = 27 + 9y पूरे का अपॉन में 3 - 3y = 9। 3 यहाँ है, इसके बट्टे हम एक ले लेते हैं, एलसीएम बराबर करते हैं, उसके बाद जो डिवाइड में रह जाएगा उसको हम ले जाएंगे राइट में, वो चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 27 + 9y हो जाएगा माइनस का 9y पूरे के बट्टे में 3 = 9। देखो अब 9y यहाँ देखो प्लस का, 9y एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों हो गए ख़त्म, यहाँ से आ जाएगा हमारा 27 / 3 और इधर आ गया 9, यह आ जाएगा 3 × 27 = 9।
यहाँ देखो, अब यहाँ x और y क्या हो गए, दोनों ख़त्म हो गए, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। तो हम इसका लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों नंबर फोर। नंबर फोर है हमारे पास 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y और इक्वल में है कितना बच्चों, 1.3। और दूसरा समीकरण जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में है 2.3। तो यहाँ बच्चों पॉइंट देख के हमें क्या करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि पॉइंट वाले ही क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे इजी होते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन भी कितना इजी हो जाएगा। यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक अंक से बाद है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, समीकरण एक व दो में, समीकरण एक व, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण एक, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर दो। एक व दो में सीधा सीधा करते हैं क्या, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। देखो बच्चों अगर समीकरण एक में करते हैं तो गलत हो जाएगा, हम क्या करेंगे समीकरण एक बार दोनों में कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने पर। अब 10 से गुणा करेंगे, देखो अलग से देख लेते हैं, यहाँ पे 0.2 है, इसके अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो आ गया 2। तो ये हमारे सीधे सीधे समीकरण बच्चों क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में कितना, 13। ऐसे ही दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू में 23। इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर बी। अब सेम जैसे हमने स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चन करे हैं, सेम वैसे ही करते हैं, समीकरण ए या दो से, सॉरी ए या बी से क्या निकाल लेते हैं, तीसरा समीकरण निकाल लेते हैं सी। तो हम निकालते हैं समीकरण किससे, ए से। समीकरण ए है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3y, x है ये किस में चल जाएगा, डिवाइड में, ये आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाई 2। ये मिल गया हमारा समीकरण नंबर सी। अब सी का मान हम किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण हमने ए से बनाया है सी, तो ये वैल्यू रखें हम किस में, बी में। तो x का मान समीकरण b में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखने पर, b में रखने पर, b में रखेंगे, पहले b समीकरण नोट कर लेते हैं। b समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 23। और b का मान निकल गया हमारे पास 13 माइनस 3y, यहाँ देखते हैं, देखो 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आ जाएगा 13 माइनस 3y, और पूरे के बट्टे में कितना है, 2 प्लस का 5y बराबर 23। अब फिर से जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ 4 के मल्टीप्लाई अंदर कराते 13 में, हो जाएगा हमारा कितना, 4 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 52, 52 प्लस 4 3 12y बट्टे में कितना है, 2 प्लस 5y बराबर बच्चों कितना, 23। यहाँ देखते हैं बच्चों हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 52 माइनस का 12y, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 10y इक्वल टू, बट्टे में 2 है इधर आ जाएगा बच्चों गुणा में, तो 23 गुणा आ जाएगा कितना, 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 23 की गुणा 2 बार करेंगे आ जाएगा बच्चों 46। यहाँ देखो माइनस का 12 है और इधर प्लस का 10 है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2y, और इधर प्लस का 52 है 52 है, इसको राइट में लाएंगे तो आ जाएगा किस में बच्चों, माइनस में 52। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 6, और इधर आ जाएगा माइनस का 2y, इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बच्चों, y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 गुणा में बराबर के दूसरी साइड करेंगे इसको, आ जाएगा किस में, बट्टे में आ जाएगा 6 बट्टे 2, यानी सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3। ये किसका निकल गया बच्चों, वाई का मान। अब एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे इन दोनों में रखें पहले दूसरे में, चाहे ए बी सी में रखें। तो हम लिखते हैं एक्स का मान, एक्स का मान किस में रखे बच्चों, समीकरण रख देते हैं हम सी में, एक्स का मान समीकरण समीकरण सी में रखने पर, समीकरण सी में रखेंगे, समीकरण पहले सी वाला जो है वो नोट कर लेते हैं, एक्स बराबर 13 माइनस 3 वाई बट्टे में कितना है, 2।
एक्स का मान निकालना है, तो आ जाएगा बच्चों 13 - 3 गुणा वाई का मान कितना है 9 बट्टे में कितना है 2। यहाँ से आएगा 13 3 3 9 बट्टे में कितना 2 से, यहाँ 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बच्चों बच्चों 4 बट्टे में आ गया 2, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा x = 2। एक्स का मान आ गया 2, वाई का मान आ गया 3, क्योंकि बच्चों फोर्थ नंबर। अब देखते हैं इसी का नंबर 5, जो पांचवा है बच्चों हमारे पास √2x + √3y = में बच्चों हमारे पास 0। ऐसे ही दूसरा समीकरण है √3x - √8y = में कितना है 0। अब यहाँ सेम इसको लिख लेते हैं हम क्या समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम लिखते हैं समीकरण एक जो है हमारा √2x + √3y = में कितना है 0। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो बच्चों ये हो जाएगा -√3y, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास कितना √3y / में आ जाएगा हमें कितना 2। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमको पता है कि ये मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक होगा, समीकरण 2 है हमारे पास √3x - √8y = 0। एक्स का मान निकाला है हमने कितना -√3y² / में √2, और -√8y = 0। यहाँ से √3 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बच्चों आ जाएगा -√3y / में √2 - √8y = 0। देखो √2 है एलसीएम, हमें क्या करना है इसका हर बराबर करना है, तो √2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो अगर 3y - ये बच्चों कितना आ जाएगा इधर √2 की मल्टीप्लाई 16, और 16 को सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 4y बराबर में कितना आ जाएगा √2 बट्टे में है चले जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो दोनों कैसे हैं बच्चों, माइनस में आ जाएगा बच्चों -7y = 0। माइनस के 7 को अगर हम राइट में ले जाएंगे डिवाइड में, और 0 बट्टे -7 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 0। देखो 0 बट्टे -7, तो वाई बराबर कितना आ गया 0। अब वाई का मान निकालना है, ये अब हम किस समीकरण में रखेंगे, हमारे पास 3 समीकरण है किसी में भी रख सकते हैं ठीक। तो यहाँ हम लिखते हैं वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण तीसरा बच्चों हमारे पास क्या है, x = -√3y / में हमारे पास √2, वाई का मान 0, तो देखते हैं -√3 * 0 और बट्टे में कितना है √2। √3 की मल्टीप्लाई बच्चों 0 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और बट्टे में √2 है, यह आ जाएगा कितना टोटल 0, यानी एक्स का मान आया बच्चों कितना 0, और वाई का मान कितना आया 0। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है बच्चों, हमारा 6 है हमारे पास, जो समीकरण दे रखा है इसमें 3x - 2 - 5y - 5y बट्टे में है हमारे पास 3 बराबर में कितना है -2। ऐसे ही दूसरा समीकरण दे रखा है x * 3 + y * 2 = 13/6। तो देखो बच्चों ये जो समीकरण दे रखे हैं दोनों किस रूप में हैं, भिन्न के रूप में हैं। तो पहले इनको हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं, रैखिक समीकरण बनाने के लिए पहले हर बराबर करते हैं, तो हर इनका हो जाएगा बच्चों कितना, समीकरण इसको हम ए मान लेते हैं इसको बी, तो समीकरण ए से समीकरण ए को अगर हम रैखिक समीकरण के रूप में बदलना चाहें तो पहले हर बराबर करते हैं, आ जाएगा 6 को अगर 2 से भाग देंगे कितना 3 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 9x, और इधर हो जाएगा बच्चों कितना 6 को 3 से करेंगे 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y - 2 बट्टे में 6 है गुणा में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 9x - 10y = कितना -12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा है, तो बच्चों आ जाएगा ये 2x + 3y, और देखो एलसीएम 6 आएगा ठीक, हर बराबर करेंगे बट्टे में 6 आएगा, गुणा में आ जाएगा 6 बट्टे में 6 है, और गुणा में 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों हमारे पास बचेगा क्या 13। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 या 2 से हम बना लेते हैं तीसरा समीकरण, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से
समीकरण दो से। अब समीकरण दो से बच्चों बनाएंगे तो समीकरण दो है हमारा 2x + 3y इक्वल टू 13। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं तो 3y आ जाएगा बच्चों 13 - 2x। y का मान निकालना है तो 13 - 2x बटने में कितना आ जाएगा 3। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर थर्ड। अब समीकरण तीन का मान किस में रखेंगे बच्चों बताओ? ठीक, समीकरण एक में। क्यों? क्योंकि हमने जो तीसरा समीकरण बनाया किससे बनाया है? समीकरण दो से बनाया है। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रखने पर? एक में रखने पर समीकरण एक है हमारे पास 9x - 10y इक्वल टू -12। वाई का मान है हमारे पास, तो इसको एक्स को हम ऐसे रहने देते हैं, -10। वाई का मान है हमारे पास 13 - 2x बट्टे में कितना है 3, बराबर में है -12। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 9x - 10 की गुणा 13 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 130 - 10 * 20। और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20x और इसके बट्टे में 3, बराबर में कितना -12। हर बराबर करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 9×9=27x - 130+20x पूरे के बट्टे में कितना 3, बराबर -12। बट्टे में 3 है, गुणा में चला जाएगा कितना हो जाएगा 12×3=36। ये हो गया माइनस का 36 आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 27x है और यहाँ पे प्लस का 20 है, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 47x। और इधर देखो -130 है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, +130। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 47x और इक्वल टू में हमारे पास कितना है 130 में से 36 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 94। और यहाँ से देखो 47 क्या है मल्टीप्लाई में, और इधर आ जाएगा बच्चों किसमें, भाग में कितना 47। हम x का मान कितना आ गया 2। अब हम निकालते हैं किसका, y का मान। तो हम यहाँ बाकी जो बचा है वो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण रख देते हैं हम बच्चों कौन से वाले में, तीसरे में रख देते हैं, समीकरण तीन में रखने पर। समीकरण तीन हमारे पास बच्चों क्या ये रहा, वाई बराबर आ जाएगा बच्चों 13 - 2x पूरे के बट्टे में कितना है 3। मान किसका निकाला हमने, एक्स का। तो यहाँ एक्स का मान रखते हैं 13 - 2 × x का मान कितना बच्चों 2 पूरे के बट्टे में 3। तो यहाँ आ जाएगा 13 - 2 * 4 बट्टे में कितना 3। तो y बराबर 13 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 9। अब 3 को भाग देंगे, 3 का भाग देंगे किसमें, 9 में, कितनी बार 3 बार। तो ये हो गया बच्चों हमारा किसका, y का मान। x का मान आया बच्चों 2, y का मान आ गया 3। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड।